ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं विंटर फोटो एडिटिंग। एंड गाइस जैसे कि आप सभी को पता है गाइस कि अब विंटर जो का सीजन जो है आने ही वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के लिए अभी से फोटो एडिटिंग आप सभी के लिए ला दी जाए, जिससे गाइस आप लोग अभी से फोटो एडिटिंग करके एंड जो गाइस क्रिसमस के टाइम पे जो है मतलब कि अपलोड कर सको। क्योंकि यार मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब कि विंटर जो असली मजा होता है वो क्रिसमस के टाइम में ही होता है, तो आप उस टाइम में फोटोज अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज आप अभी भी कर सकते हो, अभी मतलब थोड़ा बहुत तो चल रहा है, मतलब थोड़ा ठंड का सीजन आ चुका है तो आप लोग कर सकते हो अपलोड। बाकी एडिटिंग तो मैं आपको सिखाऊंगा आज किस नए वीडियो में, एंड जो भी स्टॉक वगैरह यूज करूंगा सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना। एंड कैसे अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी चलिए आज किस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर ले। सो गाइस सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेंगे, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया आप सभी को। देन उसके बाद आप सभी को करना है कि आप लोगों को जाना ऐड फोटो में, यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को। एंड अभी मैंने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा था कि आपका टाइम जो ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो आप लोगों को अगर नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है देख लेना जाके बाद में। बाकी अभी यहाँ पे आपको बनानी शेडो, तो उसके लिए क्या करना आप सभी को सिंपली चले जाना ऐड फोटो में, यहाँ से ऐड करना आप सभी को एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड। एंड इसको आपको फुल साइज करके आपको जो इसको मूव डाउन कर देना है, इरेजर टूल में जाके इन्वर्ट करके ब्रश का साइज अपने हिसाब से सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे नीचे के साइड में शेडो क्रिएट करनी है। एंड गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा आपको फास्ट दिख रहा होगा वीडियो में, क्योंकि गाइस क्या है ना कि आपका टाइम जो मैं वेस्ट नहीं करना चाहता इसलिए, ठीक है। अगर आपको डिटेल में समझना है कि शेडो आप रियलिस्टिक टाइप की कैसे बना सकते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट वीडियो की लिंक है, उसको देख लेना, सब कुछ समझ आ जाएगा आपको इजीली, ठीक है। तो अभी हमारी जो शेडो यहाँ पे बन चुकी है, तो अभी क्या करेंगे हम इसकी जो ओपेसिटी इसको कम रखेंगे, क्योंकि गाइस शेडो अगर ज़्यादा डार्क दिएगी तो नकली लगेगी। अभी हम करते हैं इसको डन। अब गाइस इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से चलेंगे ड्रो टूल में। ड्रो टूल में जाने के बाद गाइस यहाँ से जो है अब आप लोगों को एक शेडो और बनानी है, अब वो कैसी बनानी है बता देता हूँ। आपको यहाँ पे ब्रश में जाना है, ब्रश में जाने के बाद आपको उसकी हार्डनेस जीरो कर देना, साइज को अपने अकॉर्डिंग रख लेना है, फोटो को जूम करना है, देन आपको जैसे पेंट करना है। यानी कि ये लाइन अभी पतली है थोड़ी सी, तो मैं इसको थोड़ा सा मतलब बड़ा कर लेता हूँ, तो यहाँ पे इतना परफेक्ट है, 100 कर लेते हैं बिल्कुल। अब यहाँ से जैसे दो लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि जो आपकी शेडो है वो फ्रंट साइड में आपकी तरफ दिख रही है। अब लेयर में जाएंगे, इसकी ओपेसिटी जो हम कम कर लेंगे। अब इससे क्या होगा कि एक और रियलिस्टिक सा लुक आएगा, यानी कि अभी ज़्यादा है थोड़ा और कम कर लेते हैं, अराउंड इसको रखेंगे 26 तक, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं डन। अब उसके बाद गाइस यहाँ पे आपकी बारी आती है आपको स्नो का जो है PNG लगाना है, कुछ पार्टिकल्स कह सकते हैं आप उनको। तो यहाँ से हम ऐड फोटो में चलेंगे, ऐसे ऐड कर लेते हैं पार्टिकल्स वगैरह। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको फुल साइज करेंगे बिल्कुल, एंड इसको इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर देंगे। एंड बाकी जो फेस के ऊपर एरिया आ रहा है उसके लिए हम इरेजर टूल में जाकर जो है फेस से इरेज कर लेंगे, फिर ओपेसिटी थोड़ी सी कम रखेंगे, देन अगेन जाएंगे ऐड फोटो में एंड एक स्नो का PNG और रखेंगे। अब गाइस इसमें देखिए इस वाली PNG में ना आप इसको ब्लेंडिंग मोड अगर इसका चेंज नहीं भी करोगे तो रेड में भी अच्छा लग रहा है, बट यहाँ पे हम चेंज करेंगे क्योंकि हमें बिल्कुल एकदम स्नो वाला फील चाहिए, व्हाइट के अलावा और कोई कलर नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब इतना हो गया, अब जो नीचे वाली जो हमारी लेयर थी उसकी हम ओपेसिटी यहाँ पे कम रखेंगे, देन इसको कर लेंगे डन। अब इतना हो गया हमारा यहाँ पे। अब तो गाइस यहाँ पे करना है डोजन बन, तो टूल्स में जाएंगे, एडजस्ट में जाएंगे, एडजस्ट में जाने के बाद हम ब्राइटनेस बढ़ा के एंड जो इरेजर टूल में जाके जो है हमें जहाँ जहाँ पे डोजन बन कर चाहिए मतलब वहाँ वहाँ पे पेंट कर लेंगे इस तरीके से। एंड गाइस अगर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, मुझे पता है आप लोगों को पता होगा, बट अगर जिनको नहीं पता मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि अगर आपको एकदम कंप्लीट समझ आना है कि आप डोजन बन कैसे करते हो एंड इसका फायदा क्या है, तो आपके लिए ना इसके लिए एकदम परफेक्ट वीडियो बनी हुई है पूरी कंप्लीट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वीडियो को जरूर देखना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आगे तक काम आएगी, तो आप लोग वीडियो को देखना। बाकी अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा फेस के ऊपर भी डोजन बन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम सिंपली वही सेम चीज़ करेंगे, बाकी हम साइज थोड़ा सा कम रखेंगे एंड बाकी फोटो को जूम करेंगे एंड फेस के ऊपर यहाँ पे। एंड गाइस आप सभी को एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जो डोजन बन है ना हर जगह का अलग अलग तरीके से होता है, तो उसमें मैंने वीडियो में बता रखा, तो आप वीडियो को जरूर देखना, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो बाकी इतना हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे फोटो को सेव कर लेते हैं, इसको लेकर चलते हैं लाइट रूम ऐप में, क्योंकि रीटच करके हमें और भी ज़्यादा अच्छी फोटो बनानी है। तो अभी हमें लाइट में चलेंगे, कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करेंगे, हाईलाइट्स को जो है यहाँ पे हम थोड़ा सा माइनस रखेंगे, शेडो को जो है थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे एंड जो ब्लैक्स है इसको थोड़ा सा हम कम करेंगे एंड व्हाइट्स को इंक्रीज। कलर्स में जाएंगे, वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे, टेम्परेचर हल्का सा कम रखेंगे, मिक्स में जाएंगे, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे, ल्यूमिनस को बढ़ा देंगे और सैचुरेशन कम कर देंगे, ठीक है। तो ल्यूमिनस में हल्का सा कम कर लेता हूँ, बाकी हम चाहेंगे यहाँ से रेड कलर में इसका जो ह्यू है माइनस करेंगे, सैचुरेशन माइनस करेंगे, ल्यूमिनस भी माइनस करेंगे, क्योंकि हमें रेड कलर जो है हल्का चाहिए, ठीक है। अब उसको जाएंगे डार्क ब्लू में, हम जो एक हमारी कार का कलर ब्लू है तो हम इसको थोड़ा सा और स्काई ब्लू करेंगे, ल्यूमिनस बढ़ा देंगे, बाकी हम जाएंगे कलर ग्रेडिंग में एंड उसके बाद हम हाईलाइट्स में जाएंगे, इसका सैचुरेशन बढ़ाएंगे एंड इसका जो कलर है इसको रखेंगे हम यहाँ पे ब्लू की तरफ। फिर उसके बाद हम ऐसे मिड टोन में जाएंगे, मिड टोन में जाने के बाद हम जो इसका कलर रखेंगे येलो की तरफ, ठीक है, येलो की तरफ रखेंगे। सो यहाँ से हम येलो पर रख लेते हैं, देन उसके बाद आप सभी को एक ऑप्शन हो रहा है यहाँ पे जो कि शेडो का, तो शेडो को हम यहाँ पे रखेंगे सिंपली ब्लू कलर में एंड बाकी इतना परफेक्ट है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे डन। देन उसके बाद जाएंगे नीचे वाले टूल में, फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज कर देंगे, फोटो में डाल देंगे विग्नेट अपनी फोटो के अकॉर्डिंग, ज़्यादा मत डालना, ठीक है, ज़्यादा डार्क नहीं करनी है फोटो, हल्के से डालना। फिर बाकी मिड टोन बढ़ा देंगे, फीदर को इंक्रीज कर देंगे, नीचे वाले टूल में जाकर शार्पनेस बढ़ा देंगे, बाकी हमारी फोटो एडिट हो चुकी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।